नॉर्मल बॉम्ब्स को जब ड्रॉप किया जाता है या फिर मिसाइल्स के साथ में लॉन्च किया जाता है तो वो बॉम्ब इंपैक्ट के साथ में ब्लास्ट होते हैं और उस एरिया में काफी नुकसान करते हैं। लेकिन क्लस्टर बॉम्ब इससे बिल्कुल अलग होते हैं। क्लस्टर बॉम्ब्स के अंदर कई सारे छोटे बॉम्ब्स लगे होते हैं। जब क्लस्टर बॉम्ब को लॉन्च किया जाता है तो वो हवा में ही कुछ इस तरीके से खुल जाते हैं, जिससे फुटबॉल फील्ड जितनी जगह को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। लेकिन इनकी सबसे बड़ी रिस्क ये होती है कि कुछ बॉम्ब्स ब्लास्ट ही नहीं होते, जिनकी वजह से उनके पास में कई दिनों बाद भी जाना काफी ज्यादा रिस्की हो सकता है और उस एरिया से कार्स और दूसरे व्हीकल्स को निकालना भी काफी ज्यादा रिस्की हो जाता है। ये बॉम्ब्स कई महीनों तक एक्टिवेट रह सकते हैं, जिससे मिलिट्री और यहाँ तक कि सिविलियंस को भी बहुत ज्यादा खतरा होता है और इसीलिए इस तरह के बॉम्ब्स को बनाना और यूज करना इंटरनेशनल लॉज के हिसाब से बैन है।